आई हैड हर्ड दैट इट्स अ ह्यूज वर्जन ऑफ पैराडाइज ऑन अर्थ. देर आर मोर देन 500 डिफरेंट स्पीशीज एंड वी वर लकी इनफ टू सी मैनी ऑफ देम. Behind the natural V created by these rock walls is arguably India's most famous trekking route, the Valley of Flowers. People from across the globe come to Uttarakhand to experience these high altitude meadows and its splendor during the monsoon months of July and August. Almost every geographical feature is covered over here, so we got to see everything. From snow-clad mountains to waterfalls to meadows to grasslands to rocky terrains and flowers, glaciers, everything is available over here. The people are very humble, they were guiding us throughout the way. We got to experience trekking also, photography also, a bit of botany also we got to learn. The exquisite biodiversity of this UNESCO World Heritage Site also supports tourism-related jobs for locals in the lean months of the year. Ashish Pawar has walked these fields as a guide for almost 15 years now. तो फ्लावर तो ये सब देखने को तो मिल जाता है हमको हमारे घर के आसपास और बुग्यालों में भी होता है लेकिन ये साइंटिफिक नेम और ये सब ये इसको मतलब सीखने में बहुत टाइम लगा और अभी तो इतना है कि हम 80% फ्लावर तो पहचान ही लेते हैं बता सकते हैं दूसरों को सीखने के लिए बुक्स हो गई या फिर हमारे बहुत ज़्यादा क्लाइंट जो होते हैं वो फॉरेनर होता है और उनको अच्छा नॉलेज होता है इन वाइल्ड फ्लावर के बारे में तो धीरे धीरे उनसे ऐसे ही करके सीखे हैं लोग आते हैं इंजॉय करते हैं नेचर हिमालयन नेचर ब्यूटी को फ्लावर को तो काफ़ी लोग खुश भी होते हैं काफ़ी लोग नहीं भी होते हैं जिसका एक्सपेक्टेशन होता है कि फ्लावर बहुत बड़े मिलेंगे तो यहाँ पे आगे उतने फ्लावर नहीं मिलते हैं ये वाइल्ड फ्लावर है कोई गार्डन में तो है नहीं कि जैसा मर्जी वैसा लगा लो दिस वैली वॉज डिस्कवर्ड ऑलमोस्ट 90 ईयर्स अगो इन 1931 बाय 3 ब्रिटिश माउंटेनियर्स वन ऑफ देम फ्रैंक स्मिथ फेमसली डिस्क्राइब्ड इट एज अ वैली वेयर इट वॉज इम्पॉसिबल टू टेक अ स्टेप विदाउट क्रशिंग अ फ्लावर एंड इट इज दिस लेजेंडरी स्टेटस of the trek that is leading to excessive footfall and sometimes rookie mistakes. पिछले साल यहाँ पे लगभग 14-15,000 लोग आए थे और इस साल भी शायद ज़्यादा ही होगा वापस पहुँचना भी बहुत लंबा टाइम लगता है और यहाँ पे टाइमिंग होती है वैली ऑफ फ्लावर 7 बजे खुलेगा तो आप जितना हो सके 12 या 2 बजे तक चल रहे हो उसके बाद सीधा रिटर्न करना है तो ये कई लोग नहीं करता है वो समझते हैं कि बस हो जाएगा और एक लोगों को उसने भी बिगाड़ रखा है बैर ग्रिल्स होने लोग वो देख रहे हैं समझ रहे हैं हम भी कर लेंगे तो उस चक्कर में फंस भी रहे हैं कई बार बट फॉर मोस्ट टूरिस्ट्स इट इज अ स्पेल बाइंडिंग एक्सपीरियंस द कलरफुल मेडोज ग्लेशियल वाटर्स एंड द फेंट ब्रीज मूविंग थ्रू द वैली मेक दिस ट्रैक वेल वर्थ द ब्रेथ It was clean and fresh and the experience was great. I have been hearing about this since a long time. So now that I have seen it, visited it myself, it's wonderful.